बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जल्द ही अपनी मोस्ट अपडेटेड फिल्म गदर 2 में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और 11 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फैंस सिल्वर स्क्रीन पर तारा सिंह को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मूवी के सेट से अक्सर तस्वीरें वायरल होती रहती है। आज हम आपको सनी देओल की एक फिल्म के बारे में बताएंगे जिसकी शूटिंग पर लाखों खर्च हुए लेकिन फिर भी कभी रिलीज नहीं हुई। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल यंग एंग्री मैन ने ऐश्वर्या राय संग इंडियन नाम की एक फिल्म में काम किया था जो किसी वजह से डिब्बाबंद होकर रह गई। दरअसल बॉलीवुड में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें फैंस एक साथ काफी फिल्में देखना चाहते हैं। उन्हीं में से एक जोड़ी भी थी सनी देओल और ऐश्वर्या राय। दोनों 90s के टॉप एक्टर्स में से एक रहे हैं। बावजूद इसके ये सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ कभी नहीं आए। सनी देओल और ऐश्वर्या राय को फिल्म इंडियन ऑफर हुई थी। ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। फिल्म में सनी और ऐश्वर्या ने गाने में कई बोल्ड सीन्स भी दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो इस फिल्म का एक गाना शूट भी हुआ था जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लेकिन बाद में किसी वजह से ये डब्बा बंद होकर रह गया। इंडियन फिल्म में सनी देओल डबल रोल में थे। एक रोल में आर्मी ऑफिसर के तौर पर नजर आ रहे थे, दूसरे में आतंकवादी बने थे। फिल्म पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि फिल्म क्यों रिलीज नहीं हुई इसके पीछे की वजह आज तक सामने नहीं आई है। एक इंटरव्यू में सनी ने कहा था कि उनके साथ काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जैसे हीरोइन काम करना चाहती थी। गदर 2 के लिए भी कई एक्ट्रेस ने काम करने से मना कर दिया था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।